सीधगी परवानी ये होती है। गुरु तेग बहादुर पातशाह ने भी जीवन में ऐसा ही किया जो हमको गुरबानी में, जो पूरे देश में हमको सिखा के गए। औरंगजेब जो यही बात कही जब लोगों ने हिंदू वीरों के मंदिरों को जले। वीर बलिदान स्मरण समिति रामगढ़ की ओर से पुलवामा में शहीद हुए 40 सैनिकों के याद में आज यह कार्यक्रम किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में पहले तो उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है, इसके साथ ही बहुत सारे आयोजन किए जा रहे हैं। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व का भी याद किया जा रहा है। रामगढ़ के सभी समाज के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम कुछ आइए कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है आज का कार्यक्रम और ये कार्यक्रम क्यों हो रहा है। हमारे बीच में संजीत जी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, हम इन लोगों से बात करेंगे कि क्या कार्यक्रम क्या है। संजीत जी, क्या कार्यक्रम है ये? यह कार्यक्रम जो है पुलवामा में जो शहीद हुए हैं अपने 42 जवान उनको श्रद्धांजलि देने का ही नहीं है, यह जो बलिदानी परंपरा है ये कई वर्षों से चलता आ रहा है। इस परंपरा को अपने समाज अपने लोग याद रखें, इसके लिए यह कार्यक्रम और हर वर्ष करने का ऐसा हम लोगों ने प्रयास किया है। कहते हैं समय है अब नहीं कोई गहन निद्रा में सोने का, समय है एक होने का न मतभेदों में खोने का, बढ़े बल राष्ट्र का जिससे वो करना मेल है अपना, स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। जिन वीरों ने अपने बलिदानों के माध्यम से देश को जगाने का काम किया है उसको ही लेकर समाज के सभी बंधु आए और यह निरंतर उनके शहीदी उनके बलिदान को स्मरण करें। और ये सौभाग्य है कि इस वर्ष 400वां प्रकाश वर्ष है गुरु तेग बहादुर जी का, मतलब 400वां जन्मदिन है। जिन्होंने इस हिंद के चादर कहलाए वो और हिंद की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था उनका भी स्मरण करने का कार्यक्रम यह आज रामगढ़ की धरती पर है। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना, इसी ध्येय के साथ पुलवामा के वीर शहीदों को नमन किया जा रहा है। 2 मिनट का मौन धारण किया गया था। और भी हमारे बीच में कुछ यहाँ पर समाज से जुड़े हुए लोग आए हुए हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर हम जो उनको याद कर रहे हैं ये जो कार्यक्रम है जिससे समाज को जागृत करने का एक बढ़िया प्रयास दिखाई दे रहा है, आपको क्या लगता है कि मतलब इससे जागरण और इससे बड़ा और क्या कार्यक्रम हम लोग कर सकते हैं या फिर इससे और कितना महत्व मिलेगा हमारे समाज को? देखिए, समाज में हर तरह के लोग हैं। बहुत समय ऐसा होता है कि उनको भ्रमित कर दिया जाता है विशेष विशेष कारणों के कारण, लेकिन ये ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे सिख समुदाय के भी लोग आए थे। गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश उत्सव उनका 400वां वर्षगांठ था, प्लस पुलवामा में जो 42 जवान हमारे शहीद हो गए थे उनको स्मरण किया गया है। ये एक बड़ा दिन है और इस बड़े दिन में हम दोनों को एक साथ याद करके उनको श्रद्धांजलि दिए हैं और ये बड़ा ही पावन पर्व जैसा हम लोग को महसूस हो रहा है। ये पावन पर्व के तरीके से महसूस हो रहा है और आप देख सकते हैं समाज के हर वर्ग के लोग, एक तो वर्ग के लोग साथ ही छोटे बड़े किसी का कोई यहाँ भेद नहीं है। भारत माता की आरती हुई, आरती के बाद सारे कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम के दौरान और भी हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग आए, समाज के लोग आए। अभी हमारे बीच में संघ के ही है जिला संघ चालक जी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे इस कार्यक्रम को की तैयारी कब से हो रही थी और किन लोगों ने मिलकर किया। आइए, हमारे बीच में संघ चालक जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। संघ चालक जी, इसमें कब से इसकी तैयारी हो रही थी और कितना बढ़िया, कैसे इसको बढ़िया कर सके, इसकी तैयारी के लिए क्या क्या किया गया है यहाँ पर? देखिए, कार्यक्रम के लिए किसी भी कार्यक्रम के लिए बहुत विधि व्यवस्था से करना पड़ता है और समाज को एकजुटता करने के लिए अपने जो शहीद हुए हैं पुलवामा में जो हुए उसकी सभी को जानकारी भी बोल जाए कि आज का दिन क्या है, किस तरह से शहीद हुए हैं उनकी स्मृति में याद भी होना चाहिए। तो सारे समाज को अपने जागृत करने के लिए सभी संगठन के अपने सिख समाज से भी हैं जो अभी कुछ देर पहले जैसे उनका संबोधन भी किए हैं, बाकी अपने क्षेत्र से जो है सभी संगठन का जो ग्रुप है उसके माध्यम से और कार्यकर्ता लगे हुए हैं उसके साथ में ही ये कार्यक्रम संपन्न हो गया। गुरु तेग बहादुर के 400
वे प्रकाश पर्व, जिन्होंने इस भारत की रक्षा के लिए और उसके आगे कई ऐसे समाज से लोग आए जिन्होंने अपना बलिदान दिया और देश और राष्ट्र के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज इस कार्यक्रम के तहत, इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज में ये बताने का प्रयास है कि हमारे लोगों के मन में, दिल में सैनिकों और समाज में जो न्यौछावर कर चुके हैं अपना सर्वस्व, उनके लिए कितना सम्मान है। कल अभियान के कार्यकर्ता इस भारत माता पूजन के कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं और यहां पर अपना नृत्य प्रस्तुत किए हैं। हम ये एकल विद्यालय के बच्चे से बात करेंगे। क्या नाम है बाबू? बादल कुमार। कहां पढ़ाई करते हो? एकल विद्यालय ग्राम बागा कुटर। अच्छा, यहां क्या करने आए थे? भारत माँ का पूजन करने, डांस करने। अच्छा, कौन सिखाता है? भारत माता की पूजन करना चाहिए, ऐसा कौन सिखाया? आचार्य जी। आचार्य जी सिखाई। कौन है आचार्य जी का नाम क्या है? बेबी देवी। बेबी देवी, बेबी देवी हैं। अच्छा, बेबी देवी कहाँ है? सामने है। अच्छा, ये हैं आचार्य जी, एकल अभियान की आचार्य हैं बेबी देवी जी। हम इनसे ही बात करेंगे। बेबी जी, ये वहाँ पर आपके अभी विद्यालय में कितने बच्चे पढ़ाई करते हैं? टोटल 26 बच्चे हैं। अच्छा, उनसे क्या पैसा सभी लेते हैं? नहीं, निस्वार्थ भाव से, सेवा भावना से हम प्राथमिक शिक्षा देते हैं बच्चों को और संस्कार युक्त शिक्षा देते हैं। ये है संस्कार युक्त शिक्षा देने वाले एकल अभियान के कार्यकर्ता, जो पुलवामा के वीर शहीद, पुलवामा में हुए शहीदों को सम्मान देने के लिए आए थे। और वहाँ पर एकल अभियान में बच्चों को ऐसी ही शिक्षा दी जाती है, कहा जाता है कि भारत माता का पूजन करना चाहिए। ऐसे जगहों से निकलने वाले बच्चे कहाँ आगे बढ़ेंगे और बिल्कुल अपने शिखर तक पहुंचेंगे, इसी बात को लेकर हम लोग उम्मीद कर सकते हैं, जिनके अंदर राष्ट्र की भावना जागृत करने का काम एकल अभियान कर रहा है। मैं रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज़ से।